हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके चैनल इन्वेस्ट यूट्यूबेस्टर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के आउटलुक से रिलेटेड कि कल मार्केट में बाजार किस तरीके से रहने वाला है एज वेल एज एक स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे जो हमने बहुत पहले बताया था ओके okay, वो यहाँ पर चलना शुरू हो गया है मतलब ब्रेकआउट पर वो खड़ा हुआ है तो कौन से स्टॉक्स है कौन सा कहाँ पर अब जैसे कि अभी हमने बताया था फार्मा भागेंगे फार्मा भागा इससे पहले बताया ऑटो भागेंगे ऑटो भागा उससे पहले बताया कि एफ एम सी जी भागेगा एफ एम सी जी भागा अब जो पर्टिकुलर सेक्टर भागने वाला है उसका नाम बताएंगे तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीतीश कुमार को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट करिए क्यों क्योंकि काफी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है बट बेल आइकन को हिट नहीं कर रखा जिसकी वजह से नोटिफिकेशन नहीं जाती और वीडियोज छूट जाती है तो वीडियोज को देखना जरूरी है ताकि सीखना जरूरी है और सीखेंगे तभी तो पैसा कमाएंगे एज वेल एज अगर हम बात करें बहुत सारे लोग वीडियोज देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करिए और दूसरों का शेयर जरूर करें इससे मोटिवेशन बढ़ता है हमारा और हम अच्छे अच्छी वीडियोज और बनाते हैं एक वीडियो ला गए जहाँ पर एशियन गिट तो इंडिया से रिलेटेड हमने बातें करी है कि कैसे ये स्टॉक्स मल्टी आपके लिए साबित हो सकता है तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा नीचे नंबर है आप चाहे तो हमें यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं ओके okay, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करा सकते हैं पोर्टफोलियो को रिव्यू करा सकते हैं एज वेल एज नए नए स्टॉक्स आपको चाहिए जो ऐड करने हैं मल्टीपैग वो भी हम आपको बताएंगे तो जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो निफ्टी फिफ्टी से रिलेटेड पहले बात कर लेते हैं तो निफ्टी फिफ्टी जैसे कि हमने यहाँ पर पहले ही बताया था जिस दिन मार्केट में गिरावट हुई थी डो जो से यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था तो बता दिया था कि यहां पर एक गैप डाउन ओपन होने वाला है बट गैप डाउन ओपन होगा तो रुकेगा कहां पर हमें ये भी तो पता चलनी चाहिए तो हमारे पास जो सपोर्ट था उसी सपोर्ट को इसने किया जो हमने बताया था और वहां से चीजें ऊपर गई ओके okay, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर अगर हम आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आया है और यहाँ पर एक मारू बोझू टाइप की एक कैंडल बनती हुई नजर आई है और तो मारू बोझू कैंडल अगर ये हरी बनती है ना तो इसका मतलब होता है कि चीजें अब भागती हुई नजर आ सकती है ओके, okay, इसे इसका हाई निकलना बहुत जरूरी है तो अगर इसका जो हाई था सत्रह हजार सात सौ सतहत्तर कल का तो अगर उसे निकाल देता है तो चीजें भागती हुई नजर आएगी और एक बेहतरीन सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बार बार इसे रोक रहा है ओके तो इसे क्रॉस करना जरूरी है और ये अठारह हजार सत्तासी का लेवल ये दो लेवल क्रॉस किए तो याद रखिए क्या होने वाला है तो यहाँ पर एक कप और हैंडल का ब्रेकआउट होने वाला है जिसकी वजह से चीजें ऊपर जाएगी बट यहाँ पर और भी रेजिस्टेंस है एक रेजिस्टेंस ये है इसके बाद एक रेजिस्टेंस ये है ये निकले तो यहाँ पर जो हमारा 21,000 के आसपास का टारगेट था वो अचीव होता हुआ नजर आएगा तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है तेजी में है। अच्छा मार्केट है सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है आर बता रही है की चीजें ऊपर जा रही है तो जब सब चीज यहाँ पर बता रही है ऊपर जा रही है तो ये शेयर को ऊपर जाने निफ्टी बैंक देख लेते हैं निफ्टी बैंक अगर हम देखते हैं तो निफ्टी बैंक में भी तेजी है ओके निफ्टी बैंक के बारे में तो पहले ही बता दिया था कि अच्छा नजर आता है किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ओके ये पर्टिकुलर जो लेवल है ओके उनतालीस सात सौ इसे क्रॉस करना जरूरी है इसे क्रॉस करती इकतालीस सात सौ का रेजिस्टेंस आएगा ओके okay, और इस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर दिया तो फिर उसके बाद हम आगे बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या है ओके okay, क्यों क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा गिरेगा और फिर कब विध हैंडल का ब्रेकआउट को यहाँ पर दिखाएगा जो कि लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे तो अच्छा खासा पैसा उस टाइम में यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा तो बीच में गिरावट होती रहेगी वो होती रहेगी ये मार्केट का दस्तूर है ओके okay, मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता बट मार्केट को ट्रैक किया जा सकता है तो हम वो ट्रैक करते हैं इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर मिड कैप की मिड कैप में अच्छी खासी तेजी है ओके दोबारा रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हो गया है ओके okay, इसका ये जो इकतीस छह सौ सात और मेन एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ इकतीस पांच सौ तिरानवे त्रे, का ओके okay, ये पर्टिकुलर लेवल को इसने निकाला तो एक आ, मतलब इकतीस छह सौ के लेवल को निकाला एक तेजी होती हुई दिखाई देगी जो इसे कहां तक लेके जाएगी बत्तीस दो सौ अस्सी के आसपास उससे भी क्रॉस कर दिया तो फिर ऑल टाइम हाई तैतीस हजार दो सौ के आसपास आता हुआ ये दिखाई देगा तो मिड कैप में तेजी है तो बने रही कोई इशू नहीं है ओके okay, मार्केट तेजी में है इंडियन मार्केट एकदम बेहतरीन नजर आती है किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं विदेशों में प्रॉब्लम है बट इंडिया में किसी तरीके की किसी भी इशू नजर नहीं आता और बात करें निफ्टी यहां पर स्मॉल कैप की तो स्मॉल कैप यहां पर देखिए यहां पर एक कप बना दिया है कप बनाने का दिया है, हैंडल बना के चीजें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है ओके okay, और जिसका ब्रेकआउट की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग ग्यारह तीन के आसपास आता हुआ दिखाई देता है और यही यहाँ पर ब्रेकआउट भी नजर आता है यही हमारा रेजिस्टेंस भी है इस इससे पहले यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा स्मॉल कैप में तेजी होती हुई ज्यादा दिखाई देगी तो स्मॉल कैप की तरफ यहाँ पर आपको ध्यान देना है मोस्टली ब्रेकआउट यहाँ पर हो ही गया है ओके okay, आपको बस ट्रैक करना है कि कल के डेट में क्या होता है पांच मिनट की कैंडल आप निकालिएगा तो देखेंगे हम कि यहाँ पर कुछ ऐसी कैंडल बनती है तो तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना स्मॉल कैप में एज वेल एज एक इंडेक्स जो हम बात करने वाले थे जो कि चलता हुआ नजर आएगा जिसका नाम है आईटी आईटी में यहाँ पर देखिए हैमर बनाता हुआ दिखाई दिया और मैं हमेशा कहता हूँ हैमर एक गिरावट के बाद जो हैमरस बनते हैं ना ये हैमर का मतलब होता है तेजी होती हुई दिखाई दे रही है तो यहाँ पर देखिए इसने बॉटम आउट ऑलरेडी कर दिया था ओके जो बॉटम था वो बन चुका था अब केवल यहाँ पर क्या बन रहे हायर हाईस बनेंगे एक हाई ओके दोबारा ये हाई चीजें फिर आएगी यहाँ पर एक एक आके ऊपर जाएगा ऊपर जाके यहाँ पर रुकेगा ओके okay, फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर से चीजें क्रॉस होनी है इस पर्टिकुलर तीन तीस थी, तीस हजार तीन सौ नब्बे का लेवल निकला चीजें ऊपर जाएगी और इसके स्टॉक्स है ना बहुत तेजी में करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे तो आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा आई की जहाँ पर अच्छा खासा पैसा मुझे नजर आ रहा है कि बनता हुआ दिखाई दे रहा है आप सोचेंगे की टीसीएस बताऊंगा इन्फोसिस बताऊंगा तो मैं वो बताता नहीं हूँ टीसीएस इन्फोसिस बच्चे बच्चे को पता है कोई भी मार्केट में आएगा नाम ले देगा टीसीएस इन्फोसिस विप्रो ओके एस एल टेक महिंद्रा इनका नाम ले लेगा बट तो मैं ऐसे शेयर ढूंढता हूँ जहां पर आपको पैसा मिले ऑब्वियसली बात है स्मॉल कैप मिड कैप वहीं पैसा बनेगा लार्ज कैप में पैसा उस कंपेयर में नहीं बनेगा सर सेफ्टी रहती हुई दिखाई देगी तो निफ्टी आईटी की तरफ दिखाई देना है आपको और निफ्टी इसकी तरफ भी ध्यान देना है बॉटम आउट हो चुका है एक हाई ये बनाया एक हाई ये बनाया अब इसने हाई ये बना दिया है और ऊपर ये आई हाँ भी ओके अब इसके बाद चीज इस पर्टिकुलर लेवल को ये इसने क्रॉस किया तो ये रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस को एक क्रॉस करते साथ सीधा यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है चौदह हजार के लेवल के आसपास और और तेजी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके का डेंट नहीं दिखाई दे रहा हायर राइस बनाते हुए ये सीधे आ, क, आ, ये राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना के चीजें ऊपर जाएगी और निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके जैसे कि लास्ट टाइम आप देखेंगे तो लास्ट टाइम ही यहाँ पर वीडियो बनाई थी और उस टाइम हमने यहाँ पर दो तीन स्टॉक्स का नाम लिया था जैसे कि डिबिस लैब का नाम लिया था पॉलीमेडी और और 20 परसेंट भागा था इसलिए थोड़ी सी गिरावट हुई थी बट ये भागेगा दोबारा ओके यहाँ पर बताया था सुवेन फार्मा ओके इससे एक दिन पहले डिविस लैब तो यहाँ पर ये इतनी आपको स्टॉक्स बताए जा रहे हैं तो अगर मैं आपको दिखाऊँ डिविस लैब तो डिविस लैब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी भागा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके लगभग एक परसेंट से ज्यादा यहां पर भाग है as well as मैं बात करूँ क्यों क्योंकि जो रेजिस्टेंस था तो ये तो मतलब होता है इनका यहाँ पर कोई ऐसे ही नहीं बता दिया जाता यहाँ पर देखिए ये लाइन आप देखेंगे तो पहले से ही खींच रखी थी तो यहीं पर ही टच करके चीजें नीचे आई तो ये आपको सीखना है और ये सीखने के लिए पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है ओके okay, पूरी तो नहीं है अधूरी है कुछ स्टॉक्स है बट ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको मिल जाएगा आप किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है तो ये हो गया एज वेल एज हम बात करेंगे एफ एम सी डी आउट हो तो ये भागी रही है और हम बात कर रहे हैं स्टॉक्स की जो यहाँ पर भागता हुआ नग, नजर आ रहा है वो स्टॉक्स है केमिकल का ओके okay, जिसका नाम है सिगाची सिगाची इंडस्ट्री सिगाची इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं पहले ही कुछ दिन पहले वीडियोस बनाई थी ओके okay, उस टाइम मैंने आपको बताया था सिगाजी इंडस्ट्री मुझे अच्छा नजर आता है जो जिस तरीके के फंडामेंटल्स इसके फंडामेंटल और माइक्रो कैप कंपनी है और मैं हमेशा माइक्रो कैप ही ढूंढता हूं मोस्टली और जिस तरीके से पांच साल का ग्रोथ नजर आता है सेल्स में प्रॉफिट में कंपनी जिस तरीके से एक काम करती हुई नजर आती है कंपनी का यहाँ पर बात करें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और शेयर ऑलरेडी हाफ से ज्यादा गिर चुका है तो गिरने के बाद सिक्सटी का पिछले पांच साल में यहाँ पर सी के साथ भागा है तीस परसेंट के आसपास का आर है तो ये चीजें रुकने नहीं वाली और कंपनी है, तो है तो तो लगातार ग्रोथ है तो उसके बाद चीजें गिर रही है तो सी बात है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है और कुछ नहीं है आईज ने हिस्सेदारी बढ़ाई थी पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास थोड़ी बहुत हिस्सेदारी यहां नजर आती है तो शेयर अच्छा है अब यहाँ पर देखेंगे एक ब्रेकआउट हुआ रुका तो कहा रुका ये रुका यहाँ पर बिल्कुल रजिस्टेंस के पास में और एक दो तीन चार पांच लगभग चार पांच बार ये रुकता हुआ नजर आ चुका है और क्या बनाता हुआ नजर आ रहा है शोल्डर हेड 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 फिर हैड, फिर शोल्डर कॉम्प्लेक्स रिवर्स एंड शोल्डर पैटर्न इसे कहते हैं और इसके टारगेट क्या है इसके टारगेट यही है यहाँ से आप ले लीजिए ओके तो आपको टारगेट भी मिल जाएंगे ये 24% के टारगेट सीधे यहां पर आता हुआ रुक रहा है और यहाँ पर बात करें इधर तक भी जाता है पंद्रह uh, ये कितने सोलह परसेंट के रिटर्न तो सोलह परसेंट के रिटर्न ये है बट टारगेट यहाँ पर है और यहाँ पर भी नहीं रुकने वाला चीजें यहाँ से थोड़ा सा नीचे जरूर आएगी याद रखिए यहाँ तक जाने का चीजें थोड़ी सी नीचे आएगी फिर भागेगी और यहाँ पर ये यह है मेरे टारगेट चार के यहाँ से लगभग अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो लगभग अड़तीस के रिटर्न कुछ दिनों में मिल जाते हैं और यहाँ पर शेयर को तो हाई पे जाना ही है तो बॉटम आउट हो चुका है ओके okay, ये शेयर इसका बॉटम है थोड़ी सी गिरावट ऊपर थोड़ा सा रिस्क और इसे ही रिस्क रिपोर्ट रीच हो गया तो थोड़ा सा रिस्क और अच्छे खासे रिटर्न एक के रिटर्न साफ नजर आते हैं ओके okay, मेरे पास ऑलरेडी शेयर है और मैं इसमें अग देखूंगा अगर कुछ अच्छा बनेगा तो इसमें ऐड करूंगा क्यों क्योंकि अच्छे रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइन शेयर वाइजर खुद की स्टडी करें वीडियो अच्छी लगे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियो मिलती रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस